हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम यशवाल। सो फाइनली सामने आप देख रहे हो दी न्यूली लॉन्च मारुति सुजुकी जिम्नी। तो जिस चीज़ का वेट हो रहा था ना मारुति के, मतलब 2023 का, मतलब कौन सा लॉन्च बचा था, तो ये बचा था जो कि मारुति ने अब उसको भी लॉन्च कर दिया है, जो कि है जिम्नी। फाइनली लॉन्च हो चुकी है, उसकी प्राइसिंग भी आ चुकी है जिम्नी की। अब जिम्नी ना आपको सिर्फ दो ही वेरिएंट्स में ऑफर करी गई है, जो कि एक तो जेटा आता है, एक अल्फा आता है। मतलब दो ही वेरिएंट्स में आपको मिलते हैं, दोनों जो जेटा एंड अल्फा है ना उसमें आपको 4x4 ही मिलती है। मतलब कोई भी रियर व्हील ड्राइव या मतलब टू व्हील ड्राइव नहीं मिलती, जिम्नी आपको सिर्फ 4x4 ही मिलती है। और अगर देखा जाए ना तो जेटा एंड अल्फा में आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। तो सामने जो आप वेरिएंट देख रहे हो ना जिम्नी का, ये है इसका टॉप एंड वेरिएंट जो कि आता है अल्फा वेरिएंट। तो अल्फा वेरिएंट ऑटोमेटिक ही है क्योंकि इसका टॉप एंड वेरिएंट है। मतलब इस वेरिएंट के ऊपर कोई सा वेरिएंट नहीं आता जिम्नी में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिम्नी की की से। सो यहाँ पे आपको वही सेम की मिलती है जिसमें आपको लॉक अनलॉक के बीच में मिलता है। कीलेस एंट्री इसमें दे दी गई है। मतलब ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आपने थार में दिखा होगा कि आप थार में ना इतने पैसे मतलब देते हो, फिर भी वहाँ पे ना आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलती है। ये चीज़ अच्छी जिम्नी के टॉप एंड वेरिएंट्स में, एटलीस्ट आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है इसके टॉप एंड वेरिएंट में। सो वही आपको सेम की मिलती है। फ्रंट लुक देखते हैं जिम्नी का। अब जिम्नी का फ्रंट लुक देखोगे ना तो ये भी पूरा आपको ना मतलब थोड़ा क्लासिक एंड ट्रेडिशनल रखा गया है। सबसे पहले फ्रंट में देखते हैं तो यहाँ पे आपको मारुति सुजुकी का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आपको मतलब जो ग्रे फिनिश है ना पूरी मिलती है। यहाँ पे आपको ना क्रोम का इंसर्ट भी ज़्यादा मिल जाता है इसके ग्रिल में। लैंप्स देखते हैं तो यहाँ पे जो आपको लैंप्स मिलते हैं ना ये पूरे आपको LED में मिलते हैं। मतलब आप पूरे देखोगे ना इसके नीचे वाले वेरिएंट जो जेटा आता है, जेटा में आपको मतलब हेलोजन सेटअप मिलता है, यहाँ पे आपको फुल LED सेटअप मिल जाता है। एंड ये भी आपको ना पूरा सर्कल में दिया गया है इसकी लाइट्स। इस साइड आपको हेलोजन में मिलता है इसका इंडिकेटर, नीचे की साइड इसके फॉग लैंप मिल जाते हैं जो कि हेलोजन में मिलते हैं। लाइट्स आपको LED में मिल जाती है, बाकी फॉग लैंप आपका हेलोजन में ही रखे गए हैं। तो ये ना एक ऑफ रोडिंग कार है। सो आपको क्लैडिंग आपने देखी होगी थार में, तो वही सेम क्लैडिंग आपको ना अच्छी खासी बड़ी साइज क्लैडिंग इसमें भी मिल जाती है। एक चीज़ में मुझे बहुत अच्छी लगी वो है यहाँ पे आपको वॉशर भी मिल जाता है, जो कि ये वॉशर है ना ये आप ना लाइट्स आपके क्लीन कर सकते हो। इसका फंक्शन जो है ना आपको अंदर दिया गया है। तो ये चीज़ आपको थार में नहीं देखने को मिलेगी कि आप ना आपके हेडलैम्प्स वॉश कर सकते हो यहाँ से। सो ये हो गया इसका पूरा फ्रंट लुक। चलते हैं इसके साइड लुक में। तो ये कुछ साइड लुक है मारुति सुजुकी जिम्नी का। अब जिम्नी का आप साइड लुक देखोगे ना तो फ्रंट लुक से अच्छा ना मुझे साइड लुक लग रहा है पर्सनली। लेंथ वाइज देखोगे ना तो ये लगभग थार की इतनी ही है पूरी। अब जिम्नी को आप साइड लुक से देखोगे ना तो यहाँ पे इसका जो कलर है ना ये वाला पर्टिकुलर, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब आप पूरा लुक देखोगे ना जिम्नी का रूफ ब्लैक मिल जाती है, इसका पूरा ग्रीन कलर मिल जाता है। तो यहाँ पे ना इसका जो कलर है ना बहुत ही अच्छा लगा मुझे। साइड लुक से देखते हैं तो सबसे पहले इंप्रेशन पड़ता है इसके अलॉय व्हील्स पे। अब यहाँ पे जो आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं ना ये पूरे आपको ग्रे में दिए गए हैं। मतलब पूरे ग्रे फिनिश मिल जाती है इसके अलॉयस पे। एक चीज़ इसमें क्या है कि आपको ना इसके टॉप एंड वेरिएंट है, मतलब ये अल्फा वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको ना अलॉयस मिल जाते हैं। इसके नीचे वाले वेरिएंट में जाओगे ना जेटा में तो वहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स ऑफर नहीं करे गए हैं। प्रोफाइल मिल जाती है 195, 195, 80, R15 की मिलती है। तो यहाँ पे आपको ना 15 इंच का ही मिलता है, 16 इंच का होता ना तो और अच्छा होता। तो यहाँ पे आपको ना 15 इंच का ही अलॉय व्हील्स मिलता है। क्लैडिंग आपको मैंने बता दी बहुत ही अच्छे का साइज़ की आती है इसकी क्लैडिंग भी। इंडिकेटर आपको यहाँ मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाते हैं इसके ORBM, जो कि ये ORBMs ना आपको प्रीमियम बनाने के लिए यहाँ पे आपको पूरा पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट मिल जाता है। यहाँ पे जो आपको ORBM मिलता है ना इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों मिलते हैं। आपको नॉर्मल वाइपर्स मिल जाते हैं वॉशर्स के साथ। ऊपर की साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको रूफ मिल जाती है। अब जिम्नी ना आपको मतलब सिंगल टोन में मिलती है, ड्यूल टोन में भी मिलती है। तो ये ड्यूल टोन है इसलिए आपको पूरी रूफ जो है ना ब्लैक मिलती है। कोई भी रूफ रेल्स वगैरह यहाँ पे नहीं दी गई है। एंड यहाँ पे आपको पीछे की साइड मिल जाता है इसका नॉर्मल एंटीना। फ्रंट में इसके डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। रेयर में देखते हैं सो रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर करे गए हैं। यहाँ पे आपको जो हैंडल्स भी मिलते हैं ना ये आपको नॉर्मल ही मिलते हैं, जो कि आपने थार में देखे होंगे। एक चीज़ इसमें और क्या मिल जाती है साइड लुक से आप देखोगे तो ये जो आप विंडोज़ देख रहे हो ना, मतलब ये भी आपको ना पूरे ग्रीन में मिलते हैं, जो कि सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है आपको। बाकी दिखने में आप देखोगे ना जिम्नी को तो जिम्नी ना दिखने में आपको थार से बड़ी दिखती है, बाकी लेंथ ना वही है एज इट इज़, जो कि आपने सब 4 मीटर देखा होगा। एक चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है साइड में वो है इसका कीलेस एंट्री का बटन। सो यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री भी मिल जाती है, जो कि ये भी थार में आपको नहीं मिलेगा। रियल लुक देखते हैं जिम्नी का। अब ये तो पूरी इंस्पायर्ड मुझे लग रही है ना, ये जी वैगन से लग रही है। मतलब जी वैगन जैसा ही आपको ना स्पेयर व्हील मिल जाता है, पूरा लुक वैसा ही का वैसा ही मिलता है। बाकी ठीक है, अपन कंपेयर नहीं करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, ग्लॉसी ब्लैक में मिल जाता है। मारुति सुजुकी का लोगो यहाँ पे दिया गया है। जिम्नी की बैजिंग मिल जाती है, पूरी क्रोम में लिखी हुई है। यहाँ भी आपको कीलेस एंट्री का बटन मिल जाता है। नॉर्मल आपको हैंडल्स मिल जाते हैं नीचे की साइड। यहाँ पे आपको जो मतलब लाइट्स मिलती है ना, यहाँ पे हेलोजन बेस ही दी गई है, हेलोजन ब्रेक लाइट मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लाइट आपको यहाँ दी गई है, क्योंकि ये भी पूरा आपको ना मतलब क्लासिक एंड ट्रेडिशनल तरीके से दिया गया है पूरा। रियर मिरर पे देखते हैं ना डी फॉगर, रियर वाइपर दोनों मिल जाते हैं। ऊपर के साथ हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया है वॉशर के साथ।
ऑल ग्रिप की जो बैजिंग है ना वो आपको यहाँ मिल जाती है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है पूरी क्रोम में। एक बार चेकआउट कर लेते हैं इसका बूट। तो ये कुछ बूट स्पेस है जिमनी का। तो ये जो पूरा बूट स्पेस मिलता है ना, ये 219 लीटर्स का मिलता है पूरा बूट स्पेस। चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ मिल जाता है। ये जो सीट्स आप देख रहे हो ना, ये 50-50 स्प्लिट भी है, जो कि ये बहुत अच्छा कर रहा है कि आपको ना स्प्लिट सीट भी मिल जाती है। सो अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। सो ये कुछ इंटीरियर है मारुति सुजुकी जिमनी का। अब जिमनी का आप इंटीरियर देखोगे ना, तो ये पूरा आपको ना ब्लैक्ड आउट ही मिलता है, पूरा ब्लैक इंटीरियर मिलता है यहाँ पे। डोर से शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पे आपको क्रोम हैंडल्स मिल जाते हैं। स्पीकर प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है, जो कि यहाँ पे आपको ना चार स्पीकर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको कोई भी वाटर डॉग स्पेस नहीं दी गई है, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए छोटी सी स्पेस दी गई है। हैंडल आपको यहाँ मिल जाता है, पूरा हार्ड टच ही दिया गया, कुछ भी आपको ना सॉफ्ट टच यहाँ पे नहीं दिया गया। पावर विंडो कंट्रोल्स भी ना वो आपको ना मिडिल में ही मिलते हैं, सेंटर कंसोल में। सो ये हो गया इसका डोर। एडजस्टमेंट देखते हैं सीट, जो कि सीट एडजस्टमेंट जो है ना, ये आपको ना ये आपको रिक्लाइन मिलती है, हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती, यहाँ पे आप सिर्फ रिक्लाइन कर सकते हो। सीट्स की अपोस्ट्री भी मिलती नहीं, ये आपको पूरी फैब्रिक में ही मिलती है, कोई भी लेदर अपोस्ट्री यहाँ पे नहीं ऑफर करी गई है। इस साइड देखते हैं। सो यहाँ पे आपको ORVMs कंट्रोल मिल जाते हैं, जो कि मैंने बताया था इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों हैं इसके ORVMs। यहाँ पे आपको ऑटो ऑफ का मिल जाता है। फ्रंट में आपने देखा होगा कि जो लाइट्स है ना, उसके नीचे आपको वॉशर मिलता है, तो यहाँ पे आपको वॉशर का बटन मिल जाता है। लाइट लेवलर कंट्रोल आपको यहाँ दिया गया है। सो ये पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसमें आती है कीलेस एंट्री। सो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है अगर आप इसे ऑफ रोडिंग कार में देखेंगे तो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। तो अब यहाँ पे जो आपको स्टीयरिंग मिलता है ना, ये चीज़ अच्छी कि आपको पूरा स्टीयरिंग लेदर रैप मिल जाता है इसके टॉप एंड वेंट्स में। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके ऑडियो कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको पूरे टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इधर आपको मिल जाते हैं इसके क्रूज कंट्रोल। इसमें एक और चीज़ मुझे क्या अच्छी लगी, अगर आप देखोगे ना सेफ्टी वाइज, तो सेफ्टी वाइज ना यहाँ पे आपको ना मतलब आपने थार में देखा होगा कि आपको ना सिर्फ थार में दो एयरबैग्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसके टॉप एंड वेंट्स में। सो आपको इस वेरिएंट में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। MID देखते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसी कुछ इसकी MID मिल जाती है। टैगोमीटर यहाँ मिलता है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल दिया गया है, बीच में इसकी MID मिल जाती है, कॉर्नर पे बटन्स मिल जाते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो इसकी MID की। एंड जो ये गियर बॉक्स आता है ना, आपको 4 स्पीड दिया गया है, तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ इसकी MID मिल जाती है, लाइट्स हो गया है। बट अगर आप हेडलैम्प्स के कंट्रोल देखोगे, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। सो हेडलैम्प्स जो है ना, वो आपको ऑटोमेटिक मिलते हैं, वाइपर्स आपको मैनुअली ही दिए गए हैं। सेंटर में आ जाती है इसकी 9 इंच की स्क्रीन, जो कि जिसका रिस्पॉन्स ना बहुत ही अच्छा है। आपने ना मतलब सारी कार्स में ये देखा होगा, वही सेम स्क्रीन आपको यहाँ मिल जाती है, थोड़ी सी बड़ी साइज की मिल जाती है यहाँ पे स्क्रीन। इसमें आपने एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्लेट दोनों चला सकते हो वायरलेस। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप वायरलेस चला सकते हो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट मिल जाता है इसके स्क्रीन में। यहाँ पे आपको पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हेजलाइट कंट्रोल आपको यहाँ दिए गए हैं। जो क्लाइमेट कंट्रोल है ना, ये आपको पूरा ऑटोमेटिक मिलता है। इस साइड जो आपको 4 बटन्स मिलते हैं ना, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके को ड्राइवर साइड विंडोज के कंट्रोल्स। तो यहाँ से आप ना उसको अप एंड डाउन कर सकते हो। तो पूरे कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल आपको यहाँ दिया गया है। तो इस साइड मिल जाता है इसके ड्राइवर साइड विंडो का कंट्रोल। तो यहाँ पे आपको ए इसलिए लिखा हुआ है, जो कि ये ऑटो डाउन एंड ऑटो अप दोनों हैं। सो यहाँ पे आपको ना ये दोनों मिल जाते हैं फंक्शंस। सो यहाँ पे आपको दोनों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। पीछे भी आपको पावर विंडो ही मिलती है, विंडोज के लॉक एंड कंट्रोल्स, मैनुअल आपका हैंड ब्रेक मिल जाता है। यहाँ रहता है इसका 4x4 का सिस्टम, जो कि 4 हाई एंड 4 लो का आपको यहाँ मिल जाता है। एंड यहाँ आपको मिल जाता है इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, जो कि इसमें ऑटोमेटिक भी ऑफर करा गया है मतलब दोनों वेरिएंट्स में। सो आपको ना ये ऑटोमेटिक जो मिलता है ना, ये आपको 4 स्पीड दिया गया है। मैनुअल देखोगे तो वहाँ पे आपको 5 स्पीड मिल जाता है, ऑटोमेटिक आपको 4 स्पीड मिलता है। डैशबोर्ड देखते हैं। सो यहाँ पे आपको SRS एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको ग्रैब करने का दिया गया है, जो कि आप ना मतलब ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तो ये भी आपका काम आएगा कि आप इसको होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। ग्लव बॉक्स एक बार चेकआउट करते हैं इसका। तो यहाँ पे आपको जो ग्लव बॉक्स मिलता है ना, ये वही थार वाले साइज का मिलता है, छोटा सा ही मिलता है इसका ग्लव बॉक्स। यहाँ पे आपको ना सिर्फ मिरर ही मिलता है, लैंप इस साइड नहीं दिया गया। यहाँ पे इसको मिल जाता है इसका मैनुअली IRVM, इसमें ऑटोमेटिक ऑफर नहीं करा गया। ऊपर की साइड देखते हैं। सो यहाँ पे आपको जो लाइट्स मिलते हैं ना, पूरी हेलोजन में ही मिलती है इसकी लाइट्स। इस साइड देखते हैं, को ड्राइवर साइड भी आपको मिरर ही मिलता है, लैंप आपको सिर्फ इसी साइड मिलते हैं। अगर मैं थार से कंपेयर करूँ, तो इसका जो मतलब इंटीरियर है ना, ये आपको ज़्यादा फीचरिस्टिक लगता है आप कंपेयर करेंगे थार से। तो चलते हैं इसके रियर में, वहाँ चेकआउट करते हैं कि वहाँ आपको कैसा स्पेस मिलता है। अब चलते हैं इसकी बैक सीट में। सो यहाँ पे रियर सीट आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको जो एड्रेस मिलते हैं ना, आपको एडजस्टेबल मिलते हैं दोनों के दोनों। सीट बेल्ट भी यहाँ पे दिए गए हैं, जो 2 पॉइंट सीट बेल्ट ही मिलते हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स यहाँ पे सीट बेल्ट्स नहीं दिए गए हैं। इसके डोर पे देखते हैं। सो यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। नीचे की साइड यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके पावर विंडो कंट्रोल्स। स्पेस चेक करते हैं मारुति सुजुकी जिमनी में, तो यहाँ पे आपको लेग स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। अंडर द सपोर्ट भी ठीक है।
सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको दो कप होल्डर की प्लेसमेंट मिल जाती है, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता, इस साइड भी कोई आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं दिया गया। ऊपर साइड आप आपको ना लाइट्स मिल जाती है जो कि हैलोजन में ही आती है इसकी लाइट्स। सो ये है इसका 1.5 लीटर का इंजन जिमनी का। यहाँ पे जो आपको पावर मिलते ना ये मिलती है 103 BHP 134 Nm ऑफ टॉर्क निकालता है इसका ये वाला इंजन। सो ये है इसका 1.5 लीटर का इंजन जो कि ऑटोमेटिक एंड आपको मैनुअल दोनों में मिल जाता है। सो इसकी एक्शोरूम प्राइस देखते हैं ना तो ये इसकी एक्शोरूम प्राइस पड़ती है 15,05,000 इसकी एक्शोरूम प्राइस है। बात करें ऑन रोड की तो मैं हूँ अभी इस समय राणा मोटर्स इंदौर में, तो यहाँ पे ये आपको ऑन रोड पड़ती है 17,52,000 की, ये आपको ऑन रोड पड़ती है। तो ये था पूरा ओवरऑल रिव्यू मारुति सुजुकी जिमनी अल्फा वेरियंट का रिव्यू। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।